हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय चैनल तो फ्रेंड्स आज के सेशन में हम देखेंगे डाई पोलराइजेशन की जो टाइप्स हैं उसमें से जो एक टाइप बचा है स्पेस चार्ज पोलराइजेशन पुलर, उसके बारे में आज हम स्टडी करेंगे तो इससे पहले की वीडियो में हमने देखा कि डाई पोलराइजेशन क्या है और डाईलैक्ट्रिक पोलराइजेशन को हम एक एटम और एक कैपेसिटर के बीच में डायलैक्ट्रिक मटेरियल रखकर उसमें पोलराइजेशन किस प्रकार होती है इन दो तरीके से हमने डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन को स्टडी किया है और इसके साथ ही टाइप्स ऑफ पोलराइजेशन देखे और टाइप्स ऑफ पोलराइजेशन में ये चार टाइप्स ऑफ पोलराइजेशन हमने देखा इलेक्ट्रॉनिक पोलराइजेशन आयनिक पोलराइजेशन ओरिएंटेशनल पोलराइजेशन तो फ्रेंड्स अभी तक के इससे पहले के जो वीडियो हैं उसमें हमने इलेक्ट्रॉनिक पोलराइजेशन आयनिक पोलराइजेशन ओरिएंटेशनल पोलराइजेशन को हमने डिस्क्राइब कर चुके हैं और उसके डेरिवेशन भी प्राप्त किए हैं इनकी पोलराइजेबिलिटी के लिए तो आज हम देखेंगे स्पेस चार्ज पोलराइजेशन और स्पेस चार्ज पोलराइजेशन के बाद टोटल पोलराइजेशन के लिए फार्मूला हम डिराइव करेंगे जो इस प्रकार चार प्रकार के जो पोलराइजेशन हैं उसको मिलाकर जो टोटल पोलराइजेशन होता है किसी डाइलेक्ट्रिक मटेरियल में उसके लिए हम फार्मूला डिराइव करेंगे तो इस प्रकार हमने देखा कि ये इलेक्ट्रॉनिक पोलेराइजेशन हमने डिस्क्राइब किए थे इस प्रकार से और उसके बाद इसके लिए हमने डेरिवेशन निकाले ये जो इलेक्ट्रॉनिक पोलराइजेशन है उसका फिर हमने यहाँ पर से आयनिक पोलेराइजेशन को स्टडी किए और आयनिक पोलराइजेशन जो कि आयनिक क्रिस्टल में होती है और उसके लिए एक सोडियम क्लोराइड जो आयनिक क्रिस्टल है उसका एग्जाम्पल लेकर हम उसका पोलराइजेशन किस प्रकार होती है वो हमने ये स्टडी किया है और उसकी पोलराइजिबिलिटी के लिए भी हमने ये फार्मूला डिराइव किया है नहीं ये आयनिक पोलेराइजिबिलिटी के लिए फार्मूला है ये ये गलती से इलेक्ट्रॉनिक पोलराइजिबिलिटी लिखा है ये आयनिक पोलेराइजबिलिटी है और इस आयनिक पोलराइजिबिलिटी के लिए फार्मूला निकालने के बाद हमने ओरिएंटेशनल पोलराइजेशन देखा और ओरिएंटेशनल पोलराइजेशन को डिफाइन किए जो कि पोलर जो डायलैक्ट्रिक्स होती है उसमें ओरिएंटेशनल पोलराइजेशन होती है तो इस प्रकार हमने ये एग्जाम्पल लेकर हमने देखा कि ये ओरिएंटेशनल पोलराइजेशन जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो किस प्रकार होती है और हमने इसमें देखा कि ये स्ट्रांगली टेम्परेचर डिपेंडेंट होती है और उसके लिए जो फार्मूला डिराइव किए जिसको लेंजन डिबाई थ्योरी भी कहते हैं तो इस प्रकार हमने इसका जो ओरिएंटेशनल पोलराइजेशन है उसके लिए फार्मूला हमने डिराइव किया ये ओरिएंटेशनल पोलराइजेशन के लिए फार्मूला हमने ये निकाला है जहाँ पे ये ओरिएंटेशनल पोलराइजेबिलिटी को रिप्रेजेंट करता है तो फ्रेंड्स आइए हम आज की इस सेशन में हम पहले देखेंगे देखते हैं कि स्पेस चार्ज पोलराइजेशन क्या है तो देखते हैं स्पेस चार्ज पोलराइजेशन तो जो स्पेस स्पेस चार्ज पोलराइजेशन है वह हेट्रोजेनियस जो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है उसमें प्राप्त होती है जिसमें जो इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ है वह डिफरेंट फेसेस के बीच में चेंज होती है इस प्रकार की जो हेट्रोजेनियस मटेरियल होती है उसमें स्पेस चार्ज पोलराइजेशन होती है और साथ ही जो होमोजेनियस डाइलेक्ट्रिक मटेरियल होती है जिसमें इम्प्यूरिटीज़ होती है उस प्रकार के जो होमोजेनियस डाइलैक्ट्रिक मटेरियल है उसमें भी स्पेस चार्ज पोलराइजेशन होती है दैट मीन्स हम ये कह सकते हैं कि जो स्पेस चार्ज पोलराइजेशन है वो हाइट्रोजीनियस और जो डा होमोजीनियस डाइलेक्ट्रिक मटेरियल हैं उन दोनों में होती है और जो पोर्स फिल्ड विथ एयर इंक्लूजन ऑफ जो हाइग्रोस्कोपिक वाटर एट्सिट्रा इन इन सभी प्रकार के जो मटेरियल हैं इसमें भी स्पेस चार्ज पोलराइजेशन होती है इन पर्टिकुलर द प्रॉपर्टीज ऑफ प्लास्टिक्स सीरेमिक्स एट्सिट्रा जो मटेरियल है इन देयर आउटर लेयर्स आर लाइकली टू डिफर फ्राम दोज इन डेप्थ बिकॉज ऑफ द इन्वामेंटल इफ़ेक्ट्स तो जैसे कि आपको बताया गया है यहाँ पर कि जो प्लास्टिक मटेरियल है या सिरेमिक्स है इस प्रकार के जो मटेरियल है उनकी जो आउटर लेयर है वह डेप्थ लेयर से डिफरेंट हो जाती है क्यों इफेक्ट डिफरेंट हो जाती है क्योंकि इन्वाटल इन्वायरमेंटल जो इफेक्ट है उसके कारण वो डिफरेंट हो जाती है एज ए रिजल्ट और डिफरेंट होने के कारण क्या होता है एज ए रिजल्ट दे में बिहेव एज ए हाइट्रोजेनियस मटेरियल्स और इस कारण से जो डिफरेंट होने के कारण जो आउटर लेयर और डेप्थ लेयर में डिफरेंट होने के कारण वो मटेरियल हाइट्रोजेनियस मटेरियल की तरह बिहेव करते हैं अब वेन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड जब इलेक्ट्रिक फील्ड हम अप्लाई करते हैं दैन द इलेक्ट्रिक चार्जेस दोज माइग्रेट विद इन द इम्प्योरिटी रीजन्स स्टोर अप एट द इंटरफेसेस तो इलेक्ट्रिक जो चार्जेस है जब इलेक्ट्रिक फील्ड हम अप्लाई करते हैं तो जो इलेक्ट्रिक चार्जेस जो एम्प्यूरिटी में के साथ एम्प्यूरिटी जो रीजन्स हैं उसमें माइग्रेट कर सकते हैं उसके इंटरफेस पर ये स्टोर हो जाती हैं एंड द एक्यूमलेसन ऑफ चार्जेस टैक्स प्लेस विथ अपोजिट पोलॉरिटी ऑन द इंटरफेसेस और जो इम्पोरिटी है जो मटेरियल है उसके अपोजिट फेसेस पे अपोजिट पोलरिटी स्टोर होने लग जाती है एक्यूमलेट होने लग जाती है जैसे कि ये फिगर में दिया गया है ये हम देख पा रहे हैं जो चार्ज है यहाँ पर यह एक्यूमलेट हो रही है यहाँ पर तो इस प्रकार जो अपोजिट चार्जेस है वह आ, उसके इंटरफेस पे एकट होने लगती है और जो स्पेस चार्ज पोलराइजेशन है जनरली टैक्स लॉन्गर टाइम एंड दिस पोलराइजेशन देर फॉर एट लो फ्रीक्वेंसीज तो फ्रेंड्स जैसा कि हमें मालूम है कि बाकी जो रिमेनिंग पोलराइजेशंस हैं जो और इससे पहले के जो पोलराइजेशन हम स्टडी किए हैं उनके कंपेरिजन में स्पेस चार्ज पोलराइजेशन जो है ज़्यादा समय लेता है इस कारण से ये लो फ्रीक्वेंसीज पर प्राप्त होती है इस प्रकार की जो पोलराइजेशन है स्पेस चार्ज पोलराइजेशन लो फ्रीक्वेंसी पर प्राप्त होती है और स्पेस चार्ज पोलराइजेशन इज़ आल्सो नोन एज इंटरफेसियल पोलराइजेशन और माइग्रेशनल पोलराइजेशन क्योंकि इसमें जो चार्ज है वह इम्प्यूरिटी के कारण माइ माइग्रेट होकर उसके इंटरफेस पे आ, कलेक्ट होती है एक्यूमलेट होती है इस कारण से हम इसको माइग्रेशनल पोलराइजेशन या और इंटरफेस ये कलेक्ट होती है इस कारण से इसको हम इंटरफेसियल पोलराइजेशन भी कहते हैं तो यहाँ हम देख पा रहे हैं कि इस फिगर में ये डायलैक्ट्रिक जो मटेरियल है उसमें देख पा रहे हैं कि ये फिक्स चार्ज और ये कुछ मोबाइल चार्ज हैं और ये जो लगा है ये इलेक्ट्रोड है दोनों साइड में जब इलेक्ट्रोड पे इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो हम देख पा रहे हैं कि इसके एक जो इंटरफेस है इधर इस साइड में जो चार्ज है वह एक मिलेट हो जाती है और इसी कारण से इसे हम क्या बोलते हैं स्पेस चार्ज पोलराइजेशन कहते हैं यहाँ हम देख पा रहे हैं यदि ये मटेरियल को हमें देखें एग्ज़ाम्पल के लिए तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जब ज़ीरो हो तो उस कंडीशन में जो चार्ज है वह सभी तरफ रेंडमली ओरिएंटेड है लेकिन जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो हम देख पा रहे हैं कि पॉजिटिव चार्ज इस साइड में और नेगेटिव चार्ज इस साइड में ओरिएंटेड हो गई है आ, इस इसके इंटरफेस की ओर इकट्ठे हो गए हैं एक हो गए हैं और यहाँ हम देख पा रहे हैं कि यदि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर है इस इधर है तो ये जो पॉजिटिव चार्ज है इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में और जो नेगेटिव चार्ज है वह इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में हुआ है साथ ही यदि हम इसको देखें तो इस कंडीशन में भी हम देख पा रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में अप्लाइड है तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज इधर हो गया है इसके इंटरफेस में सरफेस में और निगेटिव चार्ज इस साइड एक्यूमलेट हुआ है तो इस प्रकार ये हम देखते हैं कि इंटरफेसियल पोलराइजेशन अकर्स जो इंटरफेसियल पोलराइजेशन हो कब मिलता है वेन एवर देयर इज एन एक्यूमुलेशन ऑफ चार्ज एट एन इंटरफेस बिटवीन टू मटेरियल्स और बिटवीन टू रीजन्स विद इन अ मटेरियल अब जो इंटरफेसियल पोलराइजेशन है वह तब मिलता है जब दो मटेरियल के इंटरफेस में चार्ज एक्यूमिलेट होती है या फिर एक ही मटेरियल के दो रीजन में चार्ज एक्यूमलेट होती है तब इंटरफेसियल जो पोलेराइजेशन है वह प्राप्त होती है वन ऑफ द टिपिकल एग्जांपल्स ऑफ इंटरफेसियल पोलराइजेशन इज द गैन बाउंड्रीज और जो इंटरफेशियल पोलराइजेशन है उसका एक टिपिकल एग्ज़ाम्पल है गैन बाउंड्रीज हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पे एक मटेरियल है उसके दो रीजन्स में एक इस साइड में और एक इस साइड में जो चार्ज है वह एक्यूमलेट हुआ है तो इस प्रकार की जो पोलराइजेशन है उसे हम इंटरफेशियल पोलराइजेशन कहते हैं

जैसे कि आपको इस फिगर में दिखाया गया है इसमें भी हम देख पा रहे हैं अप्लाई फील्ड जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो उस कंडीशन में जो चार्जेस है वह इंटरफेस की ओर एक्यूमेलेट होती है नॉर्मली इंटरफेसियल पोलराइजेशन एग्जिस्ट इन मटेरियल्स हाउ एवर जो कोई भी मटेरियल है उसमें एग्जिस्ट करता है हाउ एवर परफेक्ट दे में बी एस दे कंटेन क्रिस्टल डिफेक्ट्स इम्प्यूरिटीज एंड वेरियस मोबाइल चार्जेस चार्ज सच सचेज इलेक्ट्रॉन्स होल्स और आयनाइज इम्प्यूरिटीज अर्थात जो इं, इंटरफेसियल जो पोलराइजेशन है वह तब जनरली प्राप्त होती है जब उस मटेरियल में क्रिस्टल डिफेक्ट्स हो इम्प्यूरिटीज हो या वेरियस मोबाइल जो चार्जेस है जैसे इलेक्ट्रॉन हैं होल्स है आयोनाइज जो इम्प्यूरिटी आयंस हैं इस प्रकार के यदि चीज़ें हैं उसमें तो उस कंडीशन में जो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है उसमें इंटरफेसियल पोलराइजेशन होती है सो so, ये हाइड्रोजन आयन लिथियम आयन और ये कॉज दिस टाइप ऑफ पोलराइजेशन इन सीरेमिक्स एंड ग्लासेस जो हाइड्रोजन आयन है और लिथियम आयन इस प्रकार की जो आयंस हैं वह सीरेमिक्स और ग्लासेस में इस टाइप की पोलराइजेशन का कारण होती है दैट मीन्स उसमें हाइड्रोजन और लिथियम आयन के कारण सीरेमिक्स और ग्लासेस में स्पेस चार्ज पोलराइजेशन होती है वाइल द अदर मेके आर एम टू कैलकुलेशंस इंटरफेसियल पोलराइजेशन डिफाइस एनी बेसिक ट्रीटमेंट देर इज नो जनरल वे टू कैलकुलेट द चार्ज ऑन आईदर इंटरफेसेस आर देर कंट्रीब्यूशन टू द टोटल पोलराइजेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक तो इसमें हम ये, ये देख रहे हैं कि जो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल की टोटल पोलराइजेशन में जो इंटरफेसियल पोलराइजेशन की कैलकुलेसन के, के लिए कोई मैकेज uh, नहीं है देयर फोर हम इंटरफेशियल पोलेराइजेशन को जो टो डायलेक्ट्रिक मटेरियल के टोटल पोलेराइजेशन है उसमें हम ऐड नहीं करते हैं तो इंटरफेशियल पोलराइजेशन इज देअर फोर ऑफ एन ओमिटेड फ्राम द डिस्कशन ऑफ डायलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज इस कारण से चूँकि इसके कैलकुलेशन की कोई मैकेनिज्म नहीं है इस कारण से हम इंटरफेशियल पोलराइजेशन को डायलैक्ट्रिक जो मटेरियल है उसकी प्रॉपर्टी से ओमिट करते हैं और टोटल पोलराइजेशन में इसको हम ऐड नहीं करते हैं तो हाउ एवर इंटरफेशियल पोलराइजेशन इज इम्पॉर्टेंट बिकॉज ऑन द वन हैंड मेनी डाईलैक्ट्रिक्स इन रियल कैपेसिटर्स रिले ऑन इंटरफेस पोलराइजेशन तो लेकिन फिर भी इंटरफेशियल पोलराइजेशन जो है एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है क्योंकि कई जो रियल कैपेसिटर्स हैं उसमें इंटरफेस पोलराइजेशन होती है तो इट में हार्म इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस सच एस मॉस ट्रांजिस्टर्स तो ये जो इंटरफेसियल पोलराइजेशन है वह कुछ जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस है उसको हार्म करता है जैसे मॉस ट्रांजिस्टर्स है इस प्रकार के जो डिवाइस हैं उसको नुकसान पहुंचाती है तो फ्रेंड्स ये हुआ आपका इंटरफेसियल पोलराइजेशन जिसमें हमने देखा कि यदि इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो यदि उसमें इम्प्यूरिटीज़ हैं आयंस हैं होल्स हैं या पोर्स है एयर का तो उस कंडीशन में जो इलेक्ट्र चार्ज है वह उसके सरफेस में या इंटरफेस पे एक्यूमुलेट होती है इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने पर तो इस प्रकार की जो पोलराइजेशन प्रोड्यूस होती है दैट इज़ कॉल्ड स्पेस चार्ज पोलराइजेशन एंड इट इज़ आल्सो कॉल्ड इंटरफेसियल पोलराइजेशन एंड माइग्रेशनल पोलेराइजेशन तो आइए फ्रेंड्स हम देखते हैं कि जो टोटल पोलेराइजेशन है, जो इलेक्ट्रा डाइलैक्ट्रिक मटेरियल में प्राप्त होती है वह क्या है और वह किसके इक्वल है तो इन मटेरियल विच कैन एक्सपीरियंस ऑल फॉर्म्स ऑफ पोलराइजेशन तो कुछ मटेरियल्स हैं जो सभी प्रकार के पोलराइजेशन एक्सपीरियंस करती है चाहे वह इलेक्ट्रॉनिक हो ओरिएंटेशनल पोलराइजेशन हो या आयनिक पोलराइजेशन हो तो उसमें टोटल पोलराइजेशन इज़ इक्वल टू द सम ऑफ इलेक्ट्रॉनिक आयनिक, ओरिएंटेशनल एंड माइग्रेशनल पोलराइजेशन तो उनमें जो टोटल पोलराइजेशन है वह सभी पोलराइजेशन के सम के इक्वल होती है देन टोटल पोलराइजेशन इज गिवन बाय पी टोटल इज इक्वल टू पी ई दिस इज इलेक्ट्रॉनिक पोलराइजेशन प्लस पी आई दिस इज आयनिक पोलराइजेशन प्लस पी ओ दिस इज ओरिएंटेशनल पोलराइजेशन प्लस पी एम दिस इज माइग्रेशनल पोलराइजेशन तो फ्रेंड्स जैसा कि हमने देखा कि माइग्रेशनल पोलराइजेशन की, की, जो है वेरी इस्मॉल होती है और उसकी कैलकुलेशन के लिए कोई मैकेनिज्म अवेलेबल नहीं है जिसके कारण आ, हम देखते हैं कि इन जनरल माइग्रेशनल पोलराइजेशन इज़ वेरी स्मॉल एंड नेगलेजिबल देयर फॉर टोटल पोलराइजेशन इन ए मटेरियल में बी टेकन एज ड्यू टू अदर थ्री कंट्रीब्यूशंस ओनली तो इस कारण से हम माइग्रेशनल पोलराइजेशन को नेग्लेक्ट कर देंगे और टोटल पोलराइजेशन जो है केवल इन तीन पोलराइजेशन के सम के इक्वल होगी तो टोटल पोलराइजेशन ऑफ पोलर डाइलेक्ट्रिक इज देअर फॉर गिवन बाई पी इज इक्वल टू एन इंटू अल्फा ई प्लस अल्फा आई प्लस अल्फा ओ इ टू ई तो इस प्रकार जो टोटल पोलराइजेशन पी की वैल्यू है वह है इसके सम के इक्वल है अब यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉनिक पोलराइजेबिलिटी आयनिक पोलराइजेबिलिटी और ओरिएंटेशनल पोलराइजेबिलिटी है उसकी वैल्यू पुट करें तो जो पी की वैल्यू है जो ये पी है इसकी वैल्यू हमें क्या मिलता है एन इज इक्वल टू फोर पाईसलर नाट आर क्यूब यह क्या है इलेक्ट्रॉनिक पोलराइजेबिलिटी है इस प्रकार आयनिक पोलराइजेबिलिटी की वैल्यू हम पुट करें तो ये मिलता है प्लस ई स्क्वेयर अपान ओमेगा जीरो स्क्वेयर इन वन बाई कैपिटल एम प्लस वन बाई स्मॉल एम और जो ओरिएंटेशनल पोलराइजेबिलिटी की वैल्यू पुट करते हैं तो ये होता है प्लस पी इसके अपन थ्री के टी इन टू ई तो इस प्रकार हम ये देख पा रहे हैं कि ये टोटल पोलराइजेशन की जो फार्मूला है वो इसको ये रिप्रेजेंट करती है और जो टोटल पोलराइजेबिलिटी है उसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं और टोटल पोलराइजेबिलिटी की फार्मूला ये है टोटल पोलराइजेबिलिटी को रिप्रेजेंट करती है फ्रेंड्स जो अलग-अलग जो मटेरियल है मटेरियल है, उसमें ये पॉसिबल हो सकता है कि उसमें पोलराइजेशन में वन और मोर जो डाइलेक्ट्रिक पुले, पोलराइजेशन है उसका कंट्रीब्यूशन हो सकता है कुछ जो है आइदर एबसेंट और नेगलेजिबल इन मैग्नीट्यूड रिलेटिव टू द अदर कुछ पोलराइजेशन जो है दूसरे पोलराइजेशन की तुलना में मैग्नीट्यूड में या तो नेग्लिजिबल होगा या फिर अपसेंट हो अपसेंट हो सकता है तो फॉर इंस्टेंस ओरिएंटेशनल पोलराइजेशन डज नॉट एग्जिस्ट इन नॉन पोलर डाई जो नॉन पोलर डाईलैक्ट्रिक्स है उसमें ओरिएंटेशनल पोलराइजेशन एग्जिस्ट नहीं करती है सिमिलरली जो आयनिक पोलराइजेशन विल नॉट फाउंड इन कोवलेंटली बॉन्डेड मटेरियल uh, इसी प्रकार जो आयनिक पोलराइजेशन है वह कोवेलेंट बॉन्ड वाले जो मटेरियल हैं उसमें उपस्थित नहीं होती है इलेक्ट्रॉनिक पोलराइजेशन विल बी नेगलेजिबल कंपेयर टू ओरिएंटेशनल पोलराइजेशन इन पोलर डायलैक्ट्रिक्स जो इलेक्ट्रॉनिक पोलराइजेशन है वह पोलर डायलैक्ट्रिक मटेरियल में ओरिएंटेशनल पोलराइजेशन की तुलना में नेगलेजिबल होती है तो इस प्रकार अलग अलग प्रकार के जो मटेरियल्स हैं उसमें कुछ Uh, कोई पोलराइजेशन मैक्सिमम uh, होती है और कोई पोलराइजेशन दूसरे पोलराइजेशन की तुलना में या तो नेग्लेजिबल होती है या एबसेंट होती है तो इस प्रकार अलग अलग प्रकार के मटेरियल में जो पोलराइजेशन uh, है वह अलग अलग जो पोलराइजेशन है वह अधिक होती है या कम होती है तो ओके okay फ्रेंड्स आज के इस सेशन में इतना ही यदि आपको कोई डाउट हो पोलराइजेशन से रिलेटेड देन प्लीज़ आस्क थ्रू कमेंट बॉक्स एंड इफ़ यू हैव नॉट सब्सक्राइब टिल नाउ देन प्लीज़ सब्सक्राइब एंड प्रेस बेल आइकन टू गेट द नोटिफिकेशन ऑफ एवरी न्यू वीडियोस तो फ्रेंड्स हमने इन तीन जो वीडियोस है उसके हेल्प से जो पार्ट वन पार्ट टू और ये हमारा पार्ट थ्री है हमने टाइप्स ऑफ पोलराइजेशन और डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन को डिफाइन किया है और डिस्क्राइब किया है और उसके लिए फार्मूला डिराइव किए हैं तो ओके फ्रेंड्स थैंक्स फॉर वॉचिंग माई